नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग में एक बार पुनः। मित्रों, कल भी हमारी एक सुंदर चर्चा हो रही थी जिसपे आप सबने ज़रूर कार्य किया होगा कि हम उदाहरण मूर्त बने। कई बार हम दूसरों से तो बहुत अपेक्षाएं रखते हैं कि इसे ऐसा होना चाहिए, इसे ऐसा होना चाहिए, इसे ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, सरकार को ऐसा होना चाहिए, आदि आदि आदि। लेकिन यदि हम खुद करके दिखाएं तो मुझे लगता है ये ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए भी और औरों के लिए भी। और जो परिवर्तन हम दूसरों में देखना चाहते हैं वो परिवर्तन भी उनमें सहज आ पाएगा, क्योंकि यदि हम केवल अपेक्षाएं रखते हैं तो हम खुद ही दुखी होते रहते हैं कि ये क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं। और इसी पर आधारित है आज का सुवाक्य कि अपेक्षा ठीक है या नहीं। आप दूसरों से जितनी उम्मीदें रखेंगे उतना ही दर्द आपको महसूस होगा। हम दूसरों से क्या उम्मीद करते हैं और क्यों? हम दूसरों से प्यार, मान्यता, सम्मान और स्वीकृति की अपेक्षा करते हैं क्योंकि हम इस बात को भूल चुके हैं कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ और मुझे उम्मीद करने के बजाय देने की जरूरत है। मनुष्य आत्मा के भीतर हर गुण और शक्ति छिपी है। जितना अधिक आप सोचते हैं कि आप आत्मा हैं, आप अधिक आत्माभिमानी और अधिक देने वाले बन जाते हैं। मानव आत्माओं की ऊर्जा और शक्तियाँ समाप्त हो गई हैं, इसलिए वे आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे। केवल एक परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है जो कभी शीर नहीं होता। राजयोग के अभ्यास से उनसे असीम ऊर्जा और प्रेम लें और सभी को वितरित करें। यह बिना दिल टूटे हमेशा खुश रहने का तरीका। मित्रों, थोड़ी सी कहा सुनी लंबे समय के रिश्ते को भी खराब कर देती है। वैसे ही छोटा सा दीमक इतने बड़े से बड़े हमारे घर के फर्नीचर को भी संपूर्ण रूप से खराब कर देता है, खा जाता है, वृक्ष को भी खोखला कर देता है। बात छोटी सी होती है, शुरुआत छोटी होती है, लेकिन फिर सब कुछ खत्म सा हो जाता है। ऐसी एक बीमारी है डायबिटीज़, जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करती है। धीरे धीरे सारे अंग जैसे डैमेज से होते चले जाते हैं। कैसे हम इससे मुक्त हो सकते हैं और कैसे इस प्रभाव को अपने जीवन से समाप्त कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं, आज डॉक्टर साहब इस पर ही सुंदर प्रकाश दे रहे हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज सारे विश्व में डायबिटीज बढ़ती जा रही है, जिसे मधुमेह भी कहते हैं, शुगर की बीमारी भी कहते हैं। और मधुमेह की जो है, शुगर की बीमारी, इससे हमारे शुगर तो खैर बढ़ती है, हमारे एनर्जी कम होती है, थकावट रहती है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, भूख ज़्यादा लगती है, फिर भी वेट कम होता जाता है और कई बार वेट बढ़ता भी है, ये भी ऐसा भी हो जाता है। तो दोस्तों, इसका मेन कारण, मेन जो डायबिटीज़ है, वो खाली एक बॉडी की एक मतलब खाली शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है, ये बॉडी के हर सेल को नुकसान कर रही है। शुगर अवेलेबल है, शुगर खून में 500 है, 400, 500, 300, 400, 500 हो सकती है, तो वो सेल्स के लिए अवेलेबल नहीं है दोस्तों। वो इंसुलिन के बगैर इसको यूज नहीं कर सकती है दोस्तों। तो हमारी जो इस बीमारी की वजह से हमारी किडनीज डैमेज हो सकती है, आज लगभग 30% जो है किडनी जो फेलियर है, किडनी जो लोगों को डायलिसिस पे जाना पड़ता है, रिनल ट्रांसप्लांट करना पड़ता है दोस्तों, अधिकतर डायबिटीज़ के कारण हमारी ये जो है होता है, किडनी खराब हो जाती है दोस्तों। हमारी आंखें, रेटिना, पीछे की झिल्ली जो है वो खराब हो जाने का मुख्य कारण ही डायबिटीज़ है दोस्तों। इवन जो अर्ली कैटरेक्ट, जो आंखों में सफ़ेद मोती आ जाता है, उसका भी मुख्य कारण ही डायबिटीज़ है दोस्तों। और हमारी जो नर्व्स होती हैं, जो स्पेशली हमारी जो हाथों की नर्व्स हैं, हाथों में जो नर्व्स होती हैं, सेंसेशंस होती हैं, ऐसे पैरों के अंदर सेंसेशंस होती हैं दोस्तों,
तो ये भी खराब हो जाती है डायबिटीज़, अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है तो इससे आपकी न्यूरोपैथी हो जाती है और आपके हाथ पैर से मिलते हैं ग्लोव एंड स्टॉकिंग टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, अर्थात आपकी जो है जैसे जहाँ तक जराब पहनते हैं और जहाँ तक हम ग्लव्स पहनते हैं वो लगभग ऐसा सुन हो जाता है, आपकी सेंसेशन ख़त्म हो जाती है दोस्तों, आँखों में अंधापन आ जाता है दोस्तों। तो याद रखें डायबिटीज़ को आप हल्के में ना लें, डायबिटीज़ का इलाज हो सकता है समय पर इलाज करने पर और सही इलाज करने पर। हम सभी इन कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटीज़ की आँखों पर असर होता है, हार्ट पर भी, डायबिटीज़ जो है जिनको डायबिटीज़ है उनको 3 से 4 गुना अधिक हार्ट अटैक्स आते हैं। तो अगर हम डायबिटीज़ कंट्रोल रखें तो आँखों को बचा सकते हैं, अपने हार्ट को बचा सकते हैं, इवन स्ट्रोक पैरालिसिस का अटैक को कम कर सकते हैं, चांसेस कम कर सकते हैं, अपनी किडनी को बचा सकते हैं, अपनी नर्व्स को बचा सकते हैं दोस्तों। तो ये जो बीमारी है समय पर डायग्नोस करें, समय पर दवाइयाँ खाएँ और जो भोजन बताया गया है डायबिटीज़ में और एक्सरसाइज का जो महत्व है, समय पर सोना, समय पर उठना, इसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो ना खाली आप डायबिटीज़ से बचेंगे बल्कि इससे उत्पन्न हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनसे उनको भी डैमेज नहीं होगा और लंबा समय आप स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। ओम शांति। तो मित्रों, आपका मन, आपके संबंध और आपका जीवन मधुरता से भरा हुआ हो लेकिन तन में ज़्यादा मिठास ना घुले, इस कामना के साथ आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट विशिष्ट जन की बातें विशेष की ओर, जिसमें हम विशिष्ट जनों के सुंदर अनुभव सुनते हैं। ये सुनते हैं कि कैसे उन्होंने वहाँ तक की यात्रा में अध्यात्म की भी मदद ली और अध्यात्म आधार रहा, मूल्य आधार रहे। कई बार हम समझते हैं कि नहीं, केवल जो बनना है उसी पे फोकस्ड रहो, लेकिन बेस जरूरी है, आधार जरूरी है और सभी एक मत से इस बात को मानते हैं कि अध्यात्म हमारा आधार है जो न केवल हमें सफलता दिलाता है लेकिन जीवन को सुकून से, शांति से भी भरता है। आइए देखते हैं आज के सुंदर अनुभव में कौन विशिष्ट जन अपने सुंदर अनुभव साझा कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने दो शब्द जो बोलने के लिए मुझे जो ताकत है आध्यात्मिकता का ही बोल थे, क्योंकि मैं शायद कुछ बोलने से कोई सच समझेंगे या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं आप कैसे 3:30 बजे उठ जाते हैं, आप कैसे मैनेज करते हो। वो कहते हैं अच्छा गवर्नर मैडम क्या कर रहे हैं दिन भर, क्या कर कैसे वो टाइम पास कर रहे हैं। मैंने बोला देखिए कभी कभी मुझे शरीर थोड़ा खराब लगता है तो नींद आ जाता है, तो फिर भी मुझे कोई बोलता है कि तुमको उठता है 3:30 बजे, 3:30 बजे कोई मुझे बोलता है उठो। लोग कहते हैं आपका एज हो गया, एज होने से कहते हैं कि नींद नहीं आता मुझे, लेकिन 9:30 बजे 10 बजे नींद अपने आप आ जाता है। कुछ कहाँ भी जाते हूँ कोई भी सब्जेक्ट मुझे दे देते हैं मैं बोल लेती हूँ, मैं इतना पढ़ाई लिखाई नहीं हूँ, जस्ट मैंने ग्रेजुएट ही किया है, लेकिन मुझे पता नहीं ये जो बॉल है आध्यात्मिक बॉल जरूर मुझे कुछ देता है। मैं तो यही विश्वास करती हूँ, मुझे ये तो विश्वास के ऊपर निर्भर करे, वो विश्वास करेंगे या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं खुद के ऊपर, भगवान के ऊपर और परमात्मा के ऊपर मुझे बहुत विश्वास है। आइए इस सुंदर और प्रेरक अनुभव के बाद आगे बढ़ते हैं उस सुंदर सेगमेंट की ओर जहां हम ब्रह्मा कुमारीज के सेवा कार्यों को देखते हैं। मित्रों, जीवन में हम हमेशा अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, लेकिन उसका एक सुंदर सा आधार हो सकता है अपने वर्तमान के आदतों, स्वभावों का परिवर्तन। कई बार हमारी जो आदतें हैं, हमारा जो स्वभाव है, हमारे भविष्य को उज्जवल नहीं बनने देता या हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं करने देता और हम ये कहते रहते हैं कि ये मेरी आदत है कैसे बदले, ये मेरा स्वभाव है कैसे बदले। अपनी आदतों को बदलना, स्वभाव को बदलना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है और यही कला ब्रह्मा कुमारियाँ सिखा रही हैं। आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये सुंदर सेवा कार्य ब्रह्मा कुमारी कर रही हैं।
ब्रह्मा कुमारीज घाटको पर सब जून मुंबई के डोंबिवली सेंटर द्वारा 10 दिन का समर फेस्ट आयोजित किया गया। ये समर कैंप 5वीं से 10वीं के छात्रों एवं उनके अभिभावकों के लिए आयोजित हुआ। डोंबिवली सेंटर दिवा कसारियो लोधा परी प्लाजा MIDC एरिया समेत 5 जगहों पर आयोजित इस कैंप में लगभग 300 बच्चों ने भाग लिया। हर दिन सेशन की शुरुआत ओम ध्वनि द्वारा कराई जाती थी। साथ साथ छात्रों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मेमोरी फॉर पीक परफॉर्मेंस, क्रिएटिव मेडिटेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी, फ्लाई हाई इन लाइफ, गॉड, माय ऑनलाइन फ्रेंड, योगासन, न्यूट्रिशन एंड डाइट, नर्चर नेचर आदि विषयों पर सत्र रखे गए। इसके अलावा बच्चों को बड़ों की आज्ञा का पालन करना, उनमें छुपे टैलेंट को बाहर लाना, गुस्सा न करना, रूठना, ईर्ष्या न करना, इस नेगेटिव इमोशन को दूर कर प्रेम, खुशी और शक्ति जैसे पॉजिटिव इमोशंस डेवलप करने की विधि गेम्स स्टोरी आदि के द्वारा समझाई गई। साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी सेशन रखे गए जिसमें होलिस्टिक पेरेंटिंग एंड हेल्थी एक्सपेक्टेशन और मेडिटेशन के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए गाइडेंस दिया गया। डोंबिवली सेंटर इंचार्ज राजयोगिनी बी के शाकू दीदी जी ने इस फेस्ट में पधारे सभी विशिष्ट अतिथियों को ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया। मित्रों, जहां से हमने शुरुआत की थी पुनः उसी बात पर आते हैं और उस पर ही आज पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम दूसरों से बहुत कुछ, खासकर अपने लोगों से, अपने प्रियजनों से, अपने संबंधियों से हम बहुत कामनाएं रखते हैं। और कामना इसलिए भी रखते हैं क्योंकि हम उनके लिए करते हैं। अब यदि बच्चे हैं उनसे कामना तो ये ज़रूर रखेंगे ही कि वो ये करें, ये करें, ये करें, लेकिन जब वो नहीं करते हैं तो हम दुखी होते हैं। या जिनके लिए हमने बहुत कुछ किया है वो जब हमारी ज़रूरत के समय पे कुछ नहीं करते हैं तो फिर हम निराश होते हैं या दुखी होते हैं। क्यों ना मित्रों, कामनाओं को एक तरफ रखते हुए हम केवल देना शुरू कर दें। हम कामना तो यही करते हैं ना कि लोग मुझे स्नेह दें, सम्मान दें, सहयोग दें। हम बिना कामना के ये देते चलें जो भी हमारे निकटस्थ हैं या जिनको भी ज़रूरत है। तो ये एक लॉ है कि जो हम देंगे ज़रूर वापस हमारे पास आएगा ही आएगा। यदि वो नहीं देंगे तो ईश्वर तो बैठा ही हुआ है हिसाब देने के लिए, हमें भरपूर करने के लिए। तो आप बिना किसी कामना के जीवन जीते चलें, सुख शांति और आनंद आपके पीछे पीछे चलते चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।